क्रिकेट प्रेमी आम आशा करूँ बारवाटी रे टीम इंडिया विजय हासिल कर सीरीज को एक एक रे बराबर कर मात्र जदि कह भारत ए मैच रे पराजय बरण कर सबू डिपार्टमेंट जदि देखा एक प्रकार भारतीय दलर फेल मारी आम सहित किसी क्रिकेट फैन अच्छा आम तक सहित आलोचना करवा कौन कहे भाई जो भाव टीम इंडिया आज प्रदर्शन कला गोटे सबू आम आलोचना करूँ बारंबार कहूलु गोटे बैटिंग फ्रेंडली पिच अच्छी भल स्कोर होली टोटाल बैटिंग फ्रेंडली पिच नाला एटा बोली पिच ही तो हारीगला हारीगला हार जीत लग रही आउ तीन टा मैच अच्छी इंडिया जित तथा कौन कह भाई 148 रन करते स्टार्टिंग रू कह गले 29 रन में 3टा विकेट भी नहीं थे किंतु तापरे मिडिल ओवर माने जोटा कि आम स्पिनर माने जो ड्यूटीटा करिया कथा सेटा ठीक रे कलेनी जोटा कि आम स्पिनर माने अधिक रन व्यय कले से जो सेटा ही भारत को एक प्रकार कह गले सेतिपई भारत बैकफुट रे रहला सेमती खेल कथा तो कही हेनी ना एमती हार जीत लगे अच्छे स्पिनर मैंने विकेट निथर नहीं पारे ना हारा से आनटा मैच बाकी रही टीम इंडिया जित आशा कर इंडिया सीरीज जित देखा क्या देखा जाम तो आशा करम इंडिया सीरीज जित कौन कहे भाई कौ खेला भावुं आज जदि टीम इंडिया पराजय कौ खेला यार ही दायी कौन सेमती सबू प्लेयार सब सामान समी कही हेनी आेषा करते तथा हारीगले तथापि किसी ना तथापि आम इंडिया सपोर्ट आम रही देखुले बहु क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया पराजय बरण करु एवं कह गले चियर करने को पछाऊना समस्ते कहते टीम इंडिया हारी मात्र कह गले टीम इंडिया विजय हासिल कर देखिपी देख आप गोटे पोस्टर देखु तीन जन खेला फटो रही होती विराट कोहली रोहित शर्मा केएल राहुल और से गोटे लिखिंट विदाउट दिस प्लेयर इंडियन क्रिकेट इनकम्प्लीट मिस यू चांस आम सहित आलोचना करवा कौन कहे भाई यही तीन जन खेला बिना टीम इंडिया को सतर जीति पार्टी तीन जन ना कि हबार ना मानने तीन जन थे पूरा स्टाडियम उठी था पड़ी था तथा तो लोक पूरा शा भाया रही आज जो टीम इंडिया खेलला गोटे लगलानी एक फाइट देला भाया लगलानी किसी फाइट देलानी 9 टा पूरा बेकार वाला भाया आपण कौन कहे भाई एक्सपीरियंस अभाव तीन जन थे एक्सपीरियंस होता ओपनिंग बैट्समैन भल होता कि बैट्समैन ही विफल है बॉलिंग भल होती ओवर भल होगा तीन टा विकेट गला कितु एक्सपीरियंस अभाव मैडम कौन कहे मैच देखिले लगला कि टीम इंडिया जो भाव फाइट करे आज लगला कि टीम इंडिया से भले फाइट लगलानी कितु नेक्स्ट मैच कर भल कर लगुच कौन कौन सब लाकुना रहा भाव अनुभव अभाव एक्सपीरियंस अभाव न्यू प्लेयर मान को आईपीएल आधार रे जहाँ को दिखाई सुजोगटे से एनकेस कर पारे आशा रखिंट सीरीज आहरी तीन टा मैच बाकी अच्छी टीम इंडिया कम बैक कर निश्चय निश्चय इंडिया जित मैडम आपण भी आसते मैच देखा टीम इंडिया जो भी खेलला भावुं गोटे फाइट देला टीम इंडिया एथर तो लगलानी एक्सपीरियंस नथिला कहिके बट होप फॉर द बेस्ट नेक्स्ट मैचेस पाई भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस बॉलर भलो बॉलिंग करले यजुवेंद्र चाहल तांकुटु आमे जहा आशा करथिले से सेटा करि पाले गोटे बॉलर ऊपर डिपेंड करि हबनी बाकी मान को फाइट देबार थिला देखुले फैन मान मन वर्तमान भी टीम इंडिया को से सपोर्ट करू कि जितु दल से सबुब दल सहित रही देखुपंट आउ जन पोस्टर सबुब ब्लू कह गले मैन इन ब्लू को उपरे से सबुब भरोसा रखिं आम सहित आउ कि जन जोड़ आलोचना करवा भाई कौन कहे आज आम आशा करते बारवाटी जितबी कोटलार बदला कटक नब बोली कितु सेटा हलानी आम आज भी कह गले पराजय बरण कले 2-0 पछर रही आज्ञा गोटे कथा कह चाहूँगी आज्ञा आम बापमा मनस्कामना आम आसलु मानने इंजय करने आसलु बहुत खुशी करने तेणुक जो हार्दिक पांड्या एंड विराट दिनेश कार्तिक जिस तरह खेला उसने हमारा कंफ्यूज कर दिया जी सर कौन कह भाई खेला जो भाई भाव प्रदर्शन आप आशा करते खेला विफल है हाँ आमर एक्सपेक्टेड प्लेयर्स हार्दिक पांड्या की श्रेयस आयर टी अधिक स्कोर करते आई थिंक बेटर परफॉर्मेंस हो पारिता टारगेट टी छोट रहा सीटा मेजर प्रॉब्लम हो गला चेजिंग रे टी रन्स अधिक दरकार 180 अराउंड होते हुए तो स्कोर परफेक्ट होता सर के रन होते सफिसीयंट होता 148 टारगेट जहाँ था सेटा तो ठीक लास्ट मैच को कैलकुलेशन कले एक्चुअली एटा तो पूरा 70% भीतर रहले 170 घंटे होते बारवाइट पिच रे तो गोटे बढ़िया कंटेस्ट हो जाए तो वन साइड रे रहिला किंतु 170 लागिला कि टीम इंडिया फाइट देला भलिया ना सेमति किसी माने फील हला नहीं माने आउ नहीं पाका पाकी आउ माने 30-40 रन हेइथले भलो हिसाब दा
आउ 43 रन बिल्कुल देखुले जो मैंने फैन मान प्रतिक्रिया से गोटे कथा कहते कह गले जो भाव टीम इंडिया फाइट कला से खुशी ना आहरी अधिका स्कोर होता से कहते तथा कौन कहे भाई यजुवेंद्र चहल जड़े एक्सपीरियंस बोलर आईपीएल सर्वाधिक विकेट नहीं कितु सी जो भाव बोली कर लगुच कि कह गले जो सब रविचंद्रन अश्विन स्टार स्पिनर को अभाव रे से जो भाव बोली कर लगुच्च जदि ये भी फर्म रखती टी20 वर्ल्ड कप रे स्थान बनो ना ना बिल्कुल नुह रविंद्र जाडेजा आबसेंट अच्छी सीटा गोटे मैंने टीम फरक आसू और अक्षर पटेल भी टी मैंने भल परफर्म करते तो भी बोली कम कला निजी आ शेष मुहूर्त जो भाया मैंने कंटेस्ट की आसी विकेट गला आउ हे तो 30-40 रन अधिका होता भल लगी था कंटेस्ट की आसी पारी था आउ टे फिल्डिंग रे नेग्लेक्ट भी रोचे से मिनिमम 180-90 से एक्सपर्ट कौन कहे भाई आपड़ कहते भुवनेश्वर कुमार भल बोली कले निजर तीन ओवर तीन टा विकेट दे कि अन्य बोलर मैंने सपोर्ट कले जहाँफल आज टीम इंडिया पर आज्ञा विशेषकर चहल बेसी रन देते बस बेस भुवनेश्वर कुमार आज बेस्ट परफॉर्मेंस कर टीम इंडिया टीके फाइट देखिले ना जमा कि समय पूर्व किसी जन भाई कहते पैसा बेकार गला कौन कह टीम इंडिया फाइट देखिले ना टीम इंडिया किसी फाइट कलानी फाइट देख लु कि आगे फाइट कले भल भाई कौन कहे कौली कौन मैच देखिले 148 रन स्कोर ताद कह इनिशियल स्टेज रे फास्ट इंडिया भल बोली कर मात्र जो गोटा मिडिल ओवर स्पिनर मैंने जो विकेट ना कथा से आम लैक कर ना यहाँ बिना रोहित शर्मा के विराट कोहली तार इंडिया जितनी गोटे मैच तो हारी पुणी 211 रन बाड़े साउथ पुणी इंडिया साउथ आफ्रिका जीती जाता कंटेस्ट कर 150 रन बाड़े कौन जीत इंडिया 180-90 स्कोर कंटेस्ट होता स्कोर तो पूरा लो हो कंटेस्ट तो भी पारे मजा भी लगे पारे जी आशा था से स्कोर है से भारत पराजय बरण कला भाई 148 रन सफिसीयंट हलानी केते स्कोर हमार आवश्यकता रही है पाखापाखि 190-180 स्कोर होते दुई माने आमर इंडिया टीम भल फाइट करता जेहेतु आम भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट नहीं कि मैंने बहुत चेषा करते आम टीम इंडिया को जितेबाई आउसी बोलर तक साथ कैप्टेनशिप ऋषभ पंत द्वारा टी कैप्टेनशिप बहुत लुज रहा आए भल कैप्टेनशिप होते किंबा आमर विराट कोहली मझे भुवनेश्वर कुमार को जब आ गोटे ओवर भी देते विकेट गोटे जाते हुए तो साउथ आफ्रिका टीम विफल तीन टा मैच बाकी अच्छी भावुं टीम इंडिया बैक कर सीरीज जितार संभावना हाँ सियोर सियोर आमर कैप्टेनशिप उपर जब टे दायित्व दि जाए टीम इंडिया मैनेजमेंट को ताले निहाती आम टीम इंडिया सीरीज जीति पार एटा आमर विश्वास भरोसा अच्छे भाई कौन कहते हैं आज मैच देखे टीम इंडिया लगे कि फाइट कला भाया हाँ फाइट तो करूला कि मिडिल ओवर जो आम 15-16 ओवर आउ टे रन होता से 15-16 ओवर टा टी रन कमीगला से टे रहा पचर रही प्रमुख कारण जो पराजय क्या प्रमुख कारण मेन जो आम अक्षर पटेल ओवर टा से ओवर रे ही रन पड़ी से भी साहस पड़े बैटिंग करने को रन भी सही भल जा 20 रन जा कौन कहे प्रथम मैच रे भारत पराजय बरण करता से प्लेइंग इलेवेन को नहीं द्वितीय मैच रे आसीला कौन कहे जो भाव से प्लेइंग इलेवेन खेलिले तृतीय एक जो वनडे आसव क्षमा कर तृतीय जो टी20 मैच आसवे भावुंत दल रे किसी परिवर्तन हो पारे परिवर्तन बॉलिंग लाइन जदि चेंज हुए ताले परिवर्तन होवार संभावना अच्छी बर्तमान बैटिंग लाइन स्थिति ओपनर ठीक ना मिडिलर ऑर्डर भार संभा पड़ना बोली लाइन जदि स्ट्रंग हम ताले निश्चय नेक्स्ट मैच विजय कर आशा अच्छे टीम इंडिया लगे कि फाइट दे 148 रन टार्गेट देते कि मिडिल ओवर में भी कह ग भारतीय बोलर मैंने फेल मारे विकेट नापी ना कि तो भल लगे मैच टी देखा बोले 148 रन कम स्कोर होता जस्ट बोली रिछ त्रुटि सकाशे आम इंडिया रन आवश्यकता आवश्यक मिनिमम 180 180 बोलिंग रे परिवर्तन भाई बारवाटी बैटल आज किमि देखिले लागिला कि टीम इंडिया ठीक रे लड़ला बोली निश्चित भाव में आज आम खुशी अच्छु जेहेतु बारवाटी एत दिन पर खेल आज किंतु दुख लगला ये जहाँफल आज इंडिया टीम पाखु आम जो स्कोरटा आशा रखीलु से स्कोर आज आम पारू ना जदि आहरी 60 रन कि 40 रन कि 50 रन भी जदि टार्गेट आहरी दे था साउथ आफ्रिका को तो निश्चित भाव में इंडिया टीम आज दृढ़ दृढ़तार सह कह निश्चिंत भाव जीति था
ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତଥାପି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆଜି ଖେଳ ହେଇଛି ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକ ବି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଖେଳକୁ ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଖେଳ ଚାଲୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଥର ବାରବାଟୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ 148 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲା ଭାରତ, ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲାଗିଲା କି? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଓସିଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପିଚ୍ ବନାଉଛୁ ଏଠି ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ହବ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 148 ରନ୍ କଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଭାବିଲେ କି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସ୍କୋର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ରନ୍ ବି ଆଶା କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ବଲ୍ ଆସିବ, ଛକା ଦ୍ୱାରା ବଲ୍ ବି ଆସିବ। ଏବେ ବି ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁକୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାରିବା ପରେ ବି? କମ୍ପଲସରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାହା ବି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତକୁ କମ୍ପଲସରି ସପୋର୍ଟ କରୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଖେଳାଉ ଆମେ ଖାଲି ଚାହୁଁଛୁ ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଯଶ୍ମିତ ବୁମ୍ରା ଏଇମାନେ ସବୁ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଏଇଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଏଇ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନେଉ ଆମେ ତାର ମଜା ନେଉ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ, ଦଳ ହାରିଛି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୋଶ ହାରିନି, ସେମାନେ ଏବେ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଏବଂ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏକି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାରେ ମାହିର ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଚିଲଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ଜୋଶ ହାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଫ୍ୟାନ ଏବେ କ'ଣ କହିବ ଭାଇ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ଆଉ ଜିତିବ ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିମ୍ର ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥିବାର ଥିଲା, ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକକୁ ଖେଳିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ଖେଳେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ପୁଣି ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ର ଏଇଟା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଓପନର ଟମ୍ବା ବାବୁମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଭଲ ସେ ରହିଲେ, ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ରହିଲେ, ପୁରା 11 ଓଭର 12 ଓଭର ଖେଳିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରେସର ହେଲା, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବ। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଭାଇ କହିବା, ଭାରତ ପାଖରୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଜଣେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେନ୍ରି ନିକ୍ଲାସ୍, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସ୍କୋର ସିଏ 50 ସ୍କୋର 81 ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଡିକେ ଥା ଇସଲିଏ କମ୍ ସେ କମ୍ ଫାଇଟିଂ ସ୍କୋର କିଆ, ନେତେ ଇଣ୍ଡିଆ କା ଏସା ସିଚୁଏସନ୍ ତେ 125-30 ମେ ଅଲ୍ ଆଉଟ ମତଲବ ରନ ନେ ହମ ତୋ ସୋଚ ହି ଲିଏ ତେ 135 ତକ ରୁକେଗା ଅର୍ଥ ଜ୍ୟାଦା ନେଇ ଯାଏ, ଏକ ଲାଷ୍ଟ ମେ ଅଚ୍ଛା 2-3 କୋ ସିକ୍ସ ମାରେ ଲାଷ୍ଟ ମେ ତେ ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଚ୍ଛା ଫାଇଟ ନେଇ କିଆ ଏକଦମ କିଆ ବଟ ଚହଲ କୋ କରନା ଥା ଚହଲ କୋ ଠିକ ଚହଲ କୋ ଟାଇମ ଦେନା ହି ନେଇ ଚାହିଏ ଥା, ଚହଲ 20 ରନ୍ ଖା ଗିଆ ଜିସ୍ ଟାଇମ ମ୍ୟାଚ ଫିର ଭି ହାତ ମେ ଥା, ଉସକୋ ଓଭର ଦିଆ ଗିଆ 3 ଛକ୍କା ଖା ଗିଆ ଓଭର ମେ, ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଜୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କି ଉସକେ ଜବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଅଚ୍ଛା ବୋଲିଂ କର ରହା ଥା ଉସ ଟାଇମ ଉସକୋ ଘୁସାନା ଚାହିଏ ଥା, ମତଲବ ରିଷଭ ପନ୍ଥ କପ୍ତାନୀ ଲାୟକ ହେ ନାହିଁ, ବଚ୍ଚା ହେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ କପ୍ତାନୀ ଲାୟକ ନାହିଁ ହେ ଜୋ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଷଭ ପନ୍ଥ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏବେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରୁ କି ଜିତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ଯୋଉ ୱିନିଂ ଧାରାଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଜାରି ରଖିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରକୁ 15 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା, 15-16-17 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ପପୁଲାର ଡାଇଲଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଝୁକେଗା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଆମେ ଝୁକେଇବାନି? ବାଘ ଶିକାର କରିବା ପଛରୁ ଦୁଇ କଦମ ପଛକୁ ନେଇଥାଏ, 2 ନେଲା 3-3 ସଫା, 5-3-3-2 ସିରିଜ ଜିତିବ, ଭାବୁଛନ୍ତି ସିରିଜ ଜିତିବ ସିଓର ସିଓର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଲେ ବି ଖୁସି ସିଓର ଜିତିବ। ଚାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରବାଟୀରେ ଯୁବା ଜୋଶ, ଯୋଉ ଯୁବା ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଜୋଶ, ତା ସହିତ ଖାଲି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଗାମୀ ଯୋଉ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭାରତ ଆଜି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ବୋଲରଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଭାରତ ସିନା 200
शून्य पचर रही है। आज जो तीन टी मैच सीरीज्र बाकी अच्छी से तीनों जाक मैच जितु और यही सीरीज जितु। कटकुरु कैमरा पर्सन गौतम सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज।